तुम दोनों को सांप क्यों सूंघ गया? शिव भाई, आप मौके की नजाकत को समझ नहीं रहे। तो फिर आप ही समझा दीजिए। आज जो हुआ ना शिव भाई, उसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। मैं नहीं जानता था मुश्ताक खान कि तुम केसरी और मेरे बाप से इतना डरते हो। शिव, हम किसी से डरते नहीं। अगर डरते होते तो धवन साहब के साथ खुल्लम खुला खेलना ही शुरू कर देते। सावधानी बरतना अकलमंदी होती है, कायरता नहीं। तो फिर कुछ करो, कुछ सोचो। केसी के डर से इतने सहमे सहमे क्यों? मैंने तुमसे कहा ना डरने की कोई बात नहीं। अगर हम भी यही सब करने पे उतर आए तो ऐसे हजार केसरी खड़े कर सकते हैं। सोच तो सिर्फ ये रहा हूं कि तुम्हारे बाप का घमंड कैसे तोड़ा जाए। कुछ सोचा? सोचा तो है, पर डरता हूं कि तुम्हें मेरा प्लान पसंद आएगा कि नहीं। मेरी पसंद या नापसंद से क्या होता है, लड़ाई तो तुम लोगों की है। मेरा रोल यहां कहां फिट होता है? शिव, तुम्हारी मदद के बगैर मेरा काम नहीं पूरा हो सकता। ऐसा कौन सा नामुराद काम है जो केवल मैं ही कर सकता हूं? अभी कुछ ही दिन पहले धवन साहब ने हमारी एक जमीन धोखे से हमसे छीन ली। कैसे छीन ली? वो सौदा पक्का हो चुका था, इन्होंने पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने जमीन के मालिक को डरा धमका कर उससे पेमेंट ज्यादा देकर वो जमीन अपने नाम करवा ली। ऐसा भी तो हो सकता है कि जमीन के मालिक को लालच आ गया हो और उसने खुद ज्यादा दाम में ये जमीन मेरे बाप को बेच दी। हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं है। लालवानी को उसकी बेटी की जान का वास्ता दिया गया था। अब जब तक मैं धवन साहब से वो जमीन वापस नहीं ले लेता, मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा। ये तुम कैसे करोगे? उसी तरह से जिस तरह तुम्हारे डैडी ने किया था, रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके। मतलब शिव, क्या तुम मुझे उस जमीन की ओरिजिनल एग्रीमेंट की कॉपीज के पेपर्स ला दे सकते हो? इससे क्या होगा? इससे हम वो ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड यानी रद्द साबित करके जमीन वापस ले लें। तुम ये कैसे करोगे? उसमें कलाकारी करके। यू मीन फॉर्जरी? यस, ही मींस फॉर्जरी। आई कांट बिलीव दिस। क्या ये बिजनेस है? सौदा पूरा हो जाने के बाद चेक क्लियरिंग हाउस तक जाते वक्त उसे बीच से उड़वाना, उसमें गोलमाल करना और उस चेक को बाउंस करवाना, क्या वो बिजनेस था? अब जब तक मैं धवन साहब के घर से उस एग्रीमेंट के कागजात नहीं उड़वा लेता, उसमें गोलमाल नहीं करवा देता और उस गोलमाल से उस डील को ब्लास्ट नहीं करवा देता, तब तक मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा। बोलो, अब क्या कहते हो? माना कि मेरे बाप से मुझे शिकायत है, मगर बदले की आग में अंधा होकर अगर इस नाजायज लड़ाई में मैंने तुम्हारा साथ दिया तो आखिर नुकसान तो मेरा ही है, क्योंकि धवन इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस नहीं तो हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब तुम्हारे डैडी की दौलत की खातिर कर रहा हूं? आई डोंट नीड हिज मनी, आई हैव गॉट व्हाट्स फ्रॉम। मैं तो उनके आसमान के छोटे सर को जमीन पर टिकाना चाहता हूं। शैटर इज इगो टू पीसेस। बोलो, दोगे मेरा साथ? हाँ, ये वादा रहा कि वो जमीन तुम्हारी मेरे पास अमानत रहेगी, तुम जब चाहो वापस ले सकते हो। ठीक है, मैं वो अग्रीमेंट लाके तुम्हें दे दूंगा, मगर याद रखना वो प्राणलाल धवन है। डॉक्टर चंद्रप्रकाश। भैया, मैं साधना बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलो, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया। कल सुबह की फ्लाइट से मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी। दिल्ली? वहाँ क्या है? मिनिस्ट्री से मुझे एक लेटर कलेक्ट करनी है। और फिर शाम की फ्लाइट से बॉम्बे आ जाऊंगी। आ जाऊंगी मतलब अवंतिका नहीं आ रही है क्या? अरे भैया, उसके बगैर अब मुझे बॉम्बे थोड़ी ही घुसने देंगे। उसे अपने साथ ला रही हूँ। बताओ कौन सी फ्लाइट से आ रही है?
अच्छा ऑलराइट, सी यू टुमारो, बाय। हाय, हाउ आर यू? क्या बात है, आज सुबह सुबह डॉक्टर को याद किया, खैरियत तो है? भाई खैरियत होती तो डॉक्टर के पास क्यों आता? मैं तो समझा तुम एक दोस्त से मिलने आए हो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दोस्त डॉक्टर से मिलने आया हूँ। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्या है, कुछ परेशान लग रहे हो? यार चंदर कुछ सेडेटिव्स दे दो यार, पिछली तीन रातों से नहीं सोया। सेडेटिव्स? नो वे मिस्टर धवन, आई एम सॉरी सॉरी। चंदर समझा करो यार, आई नीड सम स्लीप। जानता हूँ, लेकिन नो सेडेटिव्स। तुम जानते हो नींद की गोलियां तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक है। प्रॉब्लम क्या है? अरे सब कुछ जानने के बावजूद पूछते हो प्रॉब्लम क्या है? जानता हूं जानता हूं, वही शिव, वही प्रेम, वही सोलंकी, बीपी तो बढ़ेगा ही, लेकिन हालात कुछ गंभीर है प्राण। बेहतर तो यही है कि तुम सबको अपने हालात पर छोड़कर कुछ दिनों के लिए बंबई से बाहर चले जाओ। बाहर चलो जाओ, ताकि वो नालायक मेरा सब कुछ चौपट कर दे। कौन? शिव कम्बक दुश्मनों से जाके मिल गया है। सोलंकी के बेटे के सामने मेरा अपना बेटा मुझे जलील करता है। Damn it! Cool down, cool down. Take it easy. Relax, relax. Sit down, sit down. देखो प्राण, कुछ दिनों के लिए तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। There is no way out. It's impossible. मैं अपना कामकाज नहीं छोड़ सकता। Okay, okay. मुझे बताओ, जब तुम ही नहीं रहे, तो ये business, ये पैसा किस काम का? देखो आज तक मैं तुम्हें एक डॉक्टर की हैसियत से कहता रहा और तुम डालते रहे। आज एक दोस्त की हैसियत से कहता हूँ, कल सुबह तुम कुछ दिनों के लिए बंबई से बाहर चले जाओ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, प्लीज। हाय डैड। टोनी, आर यू ऑल राइट? ऑफ कोर्स। क्यों, क्या बात है? बेटे तुम रात भर घर नहीं आए, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है डैड, पर कल रात को एक चमत्कार हो गया। चमत्कार? यूं समझिए कि मछली की पेट से मोती मिल गया मुझे। टोनी साफ साफ बात कहो, क्या हुआ? डैड, धवन की सल्तनत का वलीहद अब हमारे आंगन का कुत्ता हो गया है, जो हमारे एक इशारे पर अपने बाप को ही काट खाने को बेचैन है। ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ डैड। पता है कल क्या हुआ? कल मैंने शिव पर दोस्ती का जाल फेंका और वो उसमें फंस गया। उसने कल हमारे सामने अपने बाप और उसके दोनों चमचों की ऐसी खिंचाई की कि वो तीनों के तीनों दुम दबाकर भाग खड़े हुए। नहीं बेटे, ये अच्छा नहीं। धवन एक जहरीला सांप, तुमने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया, अब वो तब तक छटपटाता रहेगा जब तक वो अपना जहर हमारी रगों में उतार नहीं देगा। अरे डैड, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। जब तक शिव हमारी मुट्ठी में है ना, धवन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं बेटे, वो भी धवन का ही बेटा है, पर कभी भरोसा मत। पैसे चाहिए क्या? नहीं। फिर आने की वजह? मैं आपकी कंपनी का डायरेक्टर हूं, यह आने की क्या वजह जरूरी है? देखो शिवा, बहुत हो चुका, इट्स इनफ। आप चला क्यों रहे हैं? मैंने ऐसे क्या कह दिया? तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। बैठो। आई सेड बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। सोलंकी हमारा शुरू से दुश्मन रहा है, आज तक वो हमारे सामने खुलकर नहीं आया क्योंकि उसे हमारी ताकत का अंदाजा है। लेकिन अब उसका बेटा टॉनी और उसका बाप
हमारे खिलाफ मोर्चे बना रहे हैं। शिव, तुम एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल से अपने बाप के खिलाफ की गलतफहमी निकाल दो तो तुम्हें साफ नजर आएगा कि टॉरी तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना तुम्हारे ही हाथों बिजनेस एम्पायर की जड़ें उखड़वाएगा वो। मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। बस क्यों मेरा तो? देख रहा हूं कि डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत कितनी सच साबित हो रही है। आपके मुंह से बेटा शब्द ऐसे लगता है जैसे भूत के मुंह से राम नाम। डैडी, आपने आखिरी बार मुझे बेटा कब कहा था? शे बेटे, दिल की बात कड़वे शब्दों में बोलने की हिम्मत तो पाली तुमने, लेकिन सामने वाले का जवाब सुनने जितना धीरज नहीं पाया तुमने। आपके जवाब सुनने के लिए मुझे धीरज से ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं अगर उनके जवाब सच निकले तो वो कितने डरावने हो सकते हैं, इसका एहसास मुझे कुछ नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं जानते तुम। शिव बेटे, अगर तुम्हारे पास दौलत की ताकत नहीं है तो दुनिया वाले तुम्हारे हर कदम पे नरक पैदा कर देंगे। और जमाने भर की फिलॉसफी रोटी के टुकड़े में सिमट जाती है, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम तो दौलत के साए में पले हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं ऑफिस में आना चाहता हूं, हमारे बिजनेस को समझना और संभालना चाहता हूं। तुम और ऑफिस में? आपकी कंपनी का पार्टनर और डायरेक्टर होने के नाते मैं समझता हूं कि इतना तो हक है मुझे। पूरा हक है अगर तुम कारोबार को संभालना चाहते हो तो। लेकिन मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगा, मैं परेल वाली फैक्ट्री में बैठूंगा। परेल वाली फैक्ट्री में क्यों? अगर हम दोनों की रोज रोज इस तरह मुलाकात होती रही तो जरूर हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, मैं साठे से कह दूंगा कि परेल वाले ऑफिस का बीच वाला कमरा साफ कर दे, और जिमी से भी कह दूंगा कि नहीं वो... डैडी, जिमी वहां मुझे दिखना नहीं चाहिए और ना ही केसरी, वरना जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। शे बेटा, वो दोनों तुम्हारे काम में कोई दखल नहीं देंगे। अरे आओ शमा, शमा कल से शिव रेल वाली फैक्ट्री में बैठेगा, और शिव अगर तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम शमा से पूछ सकते हो, शी नोज एवरीथिंग। ओके, ऑलराइट, तो मैं जाऊं। कंग्रेचुलेशन सर, आखिर शिव सही रास्ते पर आ ही गए। हाँ, लेकिन शमा, साठे से कहना कि शिव जिस भी पेपर या चेक पे साइन करे वो पेपर या चेक पहले जिमी के टेबल पे जाना चाहिए, और जब तक जिमी वो पेपर या चेक चेक ना कर ले कोई पेपर या चेक कंपनी से बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके? यस सर। शाम, मैं कल की फ्लाइट से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? ऊटी, हॉलीडेज के लिए, डॉक्टर के ऑर्डर्स है। That's great. I mean, you do need a good rest, sir. पर आप अकेले जा रहे हैं? अरे शमा, मेरा है कौन जो मेरे साथ जाएगा? जिमी है ना, उसे साथ ले जाइए। Hello, Sadhna. Welcome. Please come. Chandan bhaiya. How are you after a long time? कितने सालों के बाद मिली है? कैसी हो? Long. बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Very fine. अवंतिका, ये है चंदर भैया। God bless you. कितनी बड़ी हो गई है? How are you? Fine. चले हम? नहीं, मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे परीक्षित यहाँ आने वाले हैं। जी, मेरा नाम परीक्षित है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप? आई एम साधना, हाउ डू यू डू? हेलो, ये है मेरी बेटी अवंतिका। नाइस टू मीट यू। और
आप हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये भी बॉम्बे के हैं, तो फिर मुलाकातें तो जरूर होंगी भाई। डेफिनेटली। तो फिर चलें। वेलकम टू इंडिया एंड शुड वी मेक अ मूव? कम प्लीज। तो भैया, हाउ आर यू? सर, बिश्नोई का पता लग गया है। ये तो तुम अच्छी खबर लाए हो जीबी। कहाँ है वो? इलाहाबाद में, अपनी साली के घर। हमारा आदमी उस पर नजर रखे हुए है। ख्याल रहे वो हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। जी। और हाँ, शिवा वापस आ गया है, कल से वो परेल वाली फैक्ट्री में बैठेगा। क्या जिमी, मुझे लगता है इसमें टॉनी की कोई चाल है। अपने आदमी से कहना शिप पे नजर रखे, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। पर कल मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। पर कहाँ सर? ऊटी। मेरी गैर हाजिरी में सारी जिम्मेवारियां तुम्हारी है। जी। जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि आपको एक ऐसा घर चाहिए जो शहर के बाहर हो, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपके लिए कॉटेज का अरेंजमेंट किया है। I hope you like it. Nice. Please come. Wow, Mama, this place is really wonderful. आप दोनों सफर के बाद काफी थक गई होगी। आप लोग आराम कर लीजिए। काम की बात मैं बाद में फोन लेकर चलूंगा। Okay? See you. Thank you. Bye. Take care. Have a nice day. ब्यूटिफुल कंट्री, आप मुझे पहले क्यों नहीं लाए यहाँ? मामा, आप सारे पर्दे क्यों बंद कर रही हैं? बेटा, यहाँ बहुत तेज हवा चलती है, धूल भी बहुत उड़ती है, तुम्हें आदत नहीं है ना, बीमार हो जाओगी। मामा, लेकिन आप ही ने तो कहा था आप ऐसी जगह पसंद करती हैं जो हवा और प्रकाश से भरपूर हो, शहर से बिल्कुल दूर, एकदम एकांत में। This place is really wonderful, Mama. और यहाँ कई तरह के खतरे भी हैं, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कैसे खतरे? है कुछ ऐसे बेटा, इस खूबसूरत से लगने वाले शहर में कुछ ऐसे भी लोग बसते हैं जिनका कभी साया भी पड़ जाए तो सब कुछ राख हो जाता है, जगह शमशान बन जाती है। बाबा, फिर दौरा पड़ गया, मैं डॉक्टर को फोन किया, अभी आ रहा हूँ। अंदर जाओ बेटे। देखो, मैं तुम्हारे लिए जो भी तुम्हें चीज चाहिए लेके आऊंगा, शिवा को नहीं दूंगा क्योंकि वो तुम्हें मारता है ना। जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ प्रेम बेटे। कन्हैया से अंदर ले जाओ। अब बेटा, ले जाओ। क्या हो? कैसे हो? आज फिर उसे दौरा पड़ा है, ना जाने कब तक ऐसा चलता रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरज, थोड़ा प्यार दो उसे। अरे, कितने सालों से तुम्हारी मैं यही बकवास सुनता आ रहा हूं चंदन, जबकि मैं जानता हूं ठीक ही नहीं होएगा। क्या जानते हो तुम प्राण, क्या जानते हो? बिजनेस की पेचीदा और बारीक गुत्थियों को अपने चाकू की धार जैसी तेज अकल से चुटकियों में सुलझाने वाले मिस्टर प्राणलाल धवन, तुम कुछ नहीं जानते। माफ करना, बरसों से सीधी साधी बात को या तो तुम समझ कर समझ नहीं रहे हो, या तो फिर समझना चाहते नहीं हो। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? परसों से मैं कहता आया हूं कि अपने कारोबार के तानों बानों से निकलकर थोड़ा सा वक्त अपने इस अभागी बेटे को दे दो, उसका ये हाल नहीं होता। तो तुम ये कहना चाहते हो मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं, अपनी अपॉइंटमेंट बंद कर दूं और उसके साथ बैठ जाऊं ताकि उसका पागलपन दूर हो जाए? वो पागल नहीं है, फॉर हेवन सेक, वो पागल नहीं है। उसे थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा अपनापन दे के देखो। हो सकता है अपने बिजनेस से कुछ लाख रुपए तुम गवा दो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपना बेटा वापस मिल जाएगा। नाउ
कैन आई सी दी पेशेंट प्लीज? चंदन मुझे माफ कर दे यार, जब सह नहीं पाता ना तो पता नहीं क्या बकवास बोलता रहता हूँ। अंडरस्टैंड यार, अंडरस्टैंड, लेकिन मैं भी मजबूर हूं ना। सिर्फ डॉक्टर होता तो तुम्हारे बेटे को चुपचाप दवाई देकर मैं यहां से चला जाता, लेकिन एक दोस्त भी हूं, इसलिए जरूरत पड़ने पर दवाई के तौर पर कभी कभी तुम्हें जहर भी देना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक तुम ही हो जो ये सब कर सकते हो। तुम्हारा बाप का ऑफिस है या नौटंकी का स्टेज? सॉरी सर। शट अप। अगली बार ऐसे करते देखा तो थप्पड़ मार के बत्तीसी बार निकाल दूंगा। गेट आउट। एक मिनट। क्या सब? यहाँ फाइलें कहाँ रखी जाती हैं? आपको फाइलें चाहिए? मैंने कहा यहाँ फाइलें कहाँ रखी जाती हैं? फाइलें तो सब स्टोर रूम में रखते हैं, यहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंशियल। हाँ वही पहले यहाँ रखी जाती है। गेट आउट। चाय कॉफी कुछ? गेट आउट। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा।